सबसे पहले मैं चाहूँगा आपके कुछ तासरात कुछ तकल हमारे मुल्क की एकमानाज खातून हरीत इजहार हरियत फ़िक्र की दाई और इंसानी हक़ के अलम पूरी ज़िंदगी उनकी जदोजहद में गुजरी कानून की अबालदस्ती में और इसी तरीके से लोगों को ये हक़ दिलाने में कि उनके जो भी नज़रियात हैं वो उसको एक्सप्रेस करें मोहतरमा आसम जहंगीर साहबा मैं इब्तः में ये भी कहूँगा कि आम तौर पर हमने देखा है कि जो मज़हबी लोग होते हैं इल फ़िक्र दिन से दिलचस्पी रखते हैं वो इस तरह के करैक्टर्स को बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करते अप्रीशिएट भी नहीं करते ये लोग आते हैं दुनिया से गुजर जाते हैं आम तौर पर तनकीदात ही होती हैं कि तो आज़ाद फ़िक्र ख्याल किस्म की खवतिन थी लेकिन मैं पूछना आपसे चाहता हूँ कि आसमान जहंगीर साहिबा की खदमात उनका पाकिस्तान जैसे समाज के अंदर जहाँ इस कदर घुटन है उनकी फ़िक्र को उनकी मसाई को आप कैसे देखते हैं और उनकी बरसी भी थी उनके बारे में कुछ आपके ख्याल सामने आए ये जिस रवैये की तरफ आपने इशारा किया है ये बदकिस्मती से दोनों गिरोहों में है यानी मजहबी लोग इस पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वसल्लम के मानने वालों में या आपसे नस्बत रखने वाले में या अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों में अब सब सबके सब लोग एक नुक्ता नज़र के हामिल नहीं हैं बहुत सी चीज़ों में तब्दीली आ गई है सोचने के अंदाज़ तब्दील हुए हैं ख़ुद मजहबी लोगों ने जिस तरह दीन की तश्हत की हैं उस पर लोगों का रद्दमल मुख्तलफ हुआ है नए अफकार नए ख्याल ने भी बहुत से लोगों के अजहान को मुतासर किया है लेकिन वो हमारे भाई हैं और हमारे अंदर के लोग हैं हमारी कौम के फर्द हैं उन्होंने अगर कोई ख़िदमत अंजाम दी है इंसानियत के लिए अंजाम दी है मुल्क के लिए अंजाम दी है कौम के लिए अंजाम दी है तो इससे कतः नज़र के उनके साथ हम दीन के मजहब के मामल पर मुकालमा कर रहे हैं या इख्तलाफ़ का इजहार कर रहे हैं उनकी इन खिदमात का एतराफ़ करें तो मजहबी लोगों के यहाँ भी ये खराबी होती है और हमारे यहाँ जो तबक़ात अपने आप को लिबरल कहते हैं वो भी मज़बी लोगों के मामले में इसी तरह की सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं यानी ऐसे लोग के जिन्होंने ना सिर्फ ये कि आला अक्तदार के लिए कुर्बानियाँ दी हैं सियासत में बड़ा गैरमूली किरदार अदा किया है लेकिन उनका पस मंज़र महबी था या वो महबीमा थे या मजहब के मामले में वाज रुझान रखने वाले लोग थे तो उनको भी उनकी शख्सियत के इस मजमू तसर से के लिहाज से देखने में इस तबके से भी कोताही होती है इस वजह से ये बड़ी अहम बात है और इसकी तरफ ज़रूर तवज़ो दिलानी चाहिए कि हम अपने सारे रिश्तों को ज़िंदा रखें एक रिश्ता हमारा हमारे घर से हमारे ख़ानदान से हमारी बरदरी से पैदा होता है क़रना मजीद को आप देखिए तो वो उस रिश्ते को या उसकी इज़्ज़त को कहाँ तक ले गया वो ये कहता है कि सबसे बड़ा रिश्ता तुम्हारे वालदेन का है वो अगर तुम्हें किसी मौके के ऊपर मजबूर करें कि तुम अल्लाह के शरीक ठहराओ जिससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है तो उनकी बात तो तुम नहीं मानोगे लेकिन उनके साथ साथन सलूक में कमी नहीं आनी चाहिए तो इसका मतलब ये है कि जो रिश्ता विलादत ने या तनासुल के सिलसिले ने पैदा किया है उस रिश्ते का एहतराम इसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात के बावजूद सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो खुद शर्क कर रहे हैं बल्कि तुम्हें भी शिरक करने की तरगीब दे रहे हैं तब भी तुम उनके साथ मरूफ के मामलात में मुसाहबत में उसने सलूक में कोई कभी नहीं आने दोगे ये बताया तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ये रिश्ता महकम है इसी तरह आपकी कौम के रिश्ते आपके वतन के रिश्ते और बैसीत मजमू इंसानियत के रिश्ते आप जब इस वसत के साथ इस दुनिया को देखेंगे अपने गिरदोपेश के लोगों को देखेंगे तो इख्लाफा रहेंगे इख्लाफा ख़त्म नहीं हो सकते खुद मजहबी लोगों में आप देखिए ताबीर के कितने इख्लाफा हैं यानी एक ही मामले में बाज़ बाज़ात आपको तीन चार पाँच आरा मिल जाती हैं यही सूरत हाल एक मसलक के लोगों में होती है आप अहल सुन्नत के, के तहत बहुत से मसालिक जमा करके देख लें आप पहले तशैय के, के तहत जमा करके देख लें अहल हदीस के तहत जमा करके देख लें तो आपको ये मालूम होगा कि ख़ुद एक मसलक के मानने वालों में बाज इल्मी मामलों में और बाज अमली मामलों में कैसे कैसे इख्लाफा हैं इसी तरह की सूरत हाल मुसलमान की हैसियत से अपने आप को पेश करने वाले लेकिन मजहबी मामलों में हम से आपसे इख्तलाफ करने वाले लोगों में भी हो सकती ये सूरत हाल चूँकि एक वाकई सूरत हाल है तो इसमें सही रवैया क्या होगा सही रवैया ये होगा कि हम जिन मामलों में इख्तलाफ़ रखते हैं शाइस्तगी और तहज़ीब के साथ अपना इख्तलाफ़ पेश करें उस पर मुकालमे का दरवाज़ा कभी बंद न करें अगर कोई बात कहनी है तो इसी तहजीब और शाइस्तगी के साथ वो बात कहे लोगों के जहन और फ़िक्र को तब्दील करने की सही करें इस्लाम और इस्लाम की तलीमत के बारे में भी अगर कोई खलजान पैदा हुए तो उसे रफ़ा करने की सही करें वो हमारा अलग काम है लेकिन जब तक कोई तब्दीली इस तरह की नहीं आती तो क्या हम लोगों की ख़िदमत को उनकी शख्सियत को जिन अकदार के लिए जीते रहे उसको भी नज़रअंदाज कर देंगे तो हमारे यहाँ अगर आप गौर करें तो जिस तरह ज़ाती ज़िंदगी में इफरादी मामलों में लोगों में बाजा अकात बड़ी गैरमूली खूबियाँ होती आपको वो खूबियाँ हर तबका फिक्र में बहुत से लोगों में मिल जाएँगी लेकिन बहुत से दूसरे मामला होंगे कि जिनमें आप ये महसूस करेंगे कि ये तो ठीक नुकतः नज़र नहीं है ये ठीक रवैया नहीं है तो ऐसे ही सियासी मामलों में मैंने इससे पहले भी कई मरतबा अर्ज़ किया है कि चार चीज़ों को बड़ी मामूली अहमियत हासिल है दौर हाजिर का अगर कोई अतिया है तो ये सियासी मामला में चार चीज़ें एक ये कि दुनिया में ये अतम पैदा हुआ है और इसको बड़ी अहमियत हासिल हुई है कि जमहूरीत की बुनियाद पर हुकूमतों का नज़म चलना चाहिए ये इंसानी तारीख़ का एक बड़ा वाक़ है यानी इससे पहले तो आप जिस जाविए से देख लें रास्ता इसके सिवा कोई नहीं था कि लोग तलवार के ज़ोर पर अपनी हकूमतें कायम करें फतवाहत की बुनियाद के ऊपर कौमों और मुल्कों पर अपना कब्ज़ा जारी रखें और फिर उसके बाद सवाई इस्तात की कोई चीज़ बाकी नहीं बचती और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई परामन ज़रिया भी इख्तियार करते थे तो वो मलूकियत का ज़रिया होता था तो जमहूरीत के लिए जो इदारे बने जिस तरह से मुख्तलिफ तस्तीर बनना शुरू हुए जैसे एक कौमी मिसाक एक जिंदा हकीकत बन के सामने आया तो इसने ये रास्ता खोला कि हम लोगों की राय की बुनियाद पर हकूमतें कायम करें इसी तरह से कौमों का हक खुद इरादी ये 1928 के बाद दुनिया में तब्दीली आई है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए यानी 100 साल भी नहीं पूरे हुए वरना इससे पहले दुनिया में ये माना जाता था कि अगर मेरे पास कुवत है और मैं किसी इलाके को फतह कर लेता हूँ तो बस वो मेरी जायज़ हकूमत है लेकिन अब ये मान लिया गया कि ना फतवाह की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमतें जायज़ होती हैं और ना किसी इलाके के हक के खुदरादी की आप नफ़ी कर सकते हैं अगर किसी इलाके में कोई कौमियत है लोग हैं उनके पास जगह भी है वो ये समझते हैं कि हमारी एक अलग हुकूमत होनी चाहिए तो ये उनका कौमी हक है इसको आपको मानना होगा इसी तरह की सूरत हाल बुनियादी इंसानी हकूक की यानी बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक जमाली शौर तो लोगों में रहा है लेकिन ये दौर हाज़िर का बड़ा कारनामा है कि वो बात जो रिसालत से लिए से लिए से लिए में आपतब जत के मौके के ऊपर बयान फरमाई थी उसको आलमी सतह पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के चार्टर में बदल दिया गया ज़ाहिर है कि ये एक इजमाली और तफसीली ताल्लुक़ है इसमें भी बाज चीज़ों से अख्तिलाफ़ किया जा सकता है कि जो हदूद अल्लाह के पैगम्बर ने मुतिन किए थे उसमें बाद जगह इंसान तजावज़ कर गया है ताहम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है अब आप देखते हैं कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ दुनिया के हर दस्तूर में मौजूद होते हैं उनके हिफाजत का अहमाम किया जाता है उनके खिलाफ अदालतें कोई फैसला नहीं देती कोई कानून साजी हो जाए तो इस बुनियाद पर उसे कलदम करार दिया जा सकता है ये नहीं है कि ये सब कुछ हो गया है लेकिन इसकी बुनियाद पड़ गई है बड़े पैमाने के ऊपर तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है अगर आप गौर करके देखें तो इससे ये मालूम होता है कि दुनिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई है जिसमें इंसान एक आम इंसान के हकूक ने भी ये अहमियत इख्तियार कर ली है और आखिरी चीज़ क्या है कानून की हुक्मरानी यानी यह कोई चीज़ नहीं है कि आप बादशाह सलामत हैं तो आप जो कह देंगे वो कानून बन जाएगा कानून के बनने का एक अमल होना चाहिए और वो हुक्म जो सादिर होगा किसी भी अवान इकतदार से वो कानून के या मकन्ना के अंदर से गुजर कर आना चाहिए फिर उसका जवाज़ पैदा होता है तो आसमा जहांगीर साहिबा इन चारों बुनियादी अकदार के मामले में इंतहाई हसास थी हमारे बाशरे में उनकी इस मामले में बड़ी गैरमूली खिदमत है बड़ी जुरत बहुत बहादुरी बहुत इंसाफ के लब लहजे में और नहायत दयानत के साथ वो हमेशा इन मौजुआत पर गुफग करती थी और ऐसे गुफतु करती थी कि जब लोगों की ज़ुबानें गुग होती थी उस वक्त भी वो तनह बोल रही होती थी यानी यह मालूम होता था कि अल्लाह ताली ने इस दान पान सी खातून में गोया बिजली भरती है और जिन लोगों से उनको शदीद इख्त होता था उन पर भी कोई अगर इब्तला आ जाए तो उन्हीं की आवाज़ होती थी कि जो उनके हक में उठती थी अच्छा यानी आप अंदाज़ा करें कि हमारे यहाँ जिस तरह की दहशत गर्दी हुई और जिस तरह से मुख्तलिफ गिरोहों ने लोगों को मारा और गलियों और बाज़ारों में बच्चों का औरतों का किसी का लिहाज नहीं किया तो क्या जज्बात थे उनके ख़िलाफ़ लेकिन जब उन लोगों के खिलाफ यानी उन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हमारी अफवाज ने ऑपरेशन किया और उसमें मालूम हुआ कि कुछ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्दी हुई है तो वो जिन्होंने जिहाद किया था एक तरह से इस मौजू पर उनकी एक राय थी और वो उन दहशत गर्दों के खिलाफ शवाला बनी हुई थी लेकिन उस मौके पर सिर्फ उनकी आवाज़ उठी उन्होंने कहा कि नहीं ये आपको हक़ नहीं है अगर कि ये इंसानियत के दुश्मन थे लेकिन आप इनके भी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते फौजों का ये काम नहीं है कि वो इस तरीके से इंतकाम के जज्बे में आकर इकदाम करें तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनके यहाँ जुरत, बहादुरी, दयानत अपने मसलक या अपने नुक़ नज़र के साथ जो एक कमिटमेंट होनी चाहिए वो किस दर्जे में थी और इन सियासी इकदार की वो कितनी बड़ी पासबान थी इसलिए मेरे ख्याल में इससे कतः नज़र के मुझे या आपको उनके किसी नजरिए से इतलाफ हो सकता है हम सब को उनकी अजमत को सलाम करना चाहिए ठीक है अच्छा हम सब ये बयान फरमाइएगा हमारे आमतौर पर तसर होता है कि जो फ़िक्र जदोजहद है एक शख्स बैठा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कोई मजम्मती करारदाद पेश कर देता है कहीं माल रोड पर प्ले कार्ड और बैनर उठा के वॉक कर लेता है एतजाजी इससे कहाँ तब्दीली आती है आपसे मैं पूछना चाहूँगा वो रुखत हुई उनकी करबरसी थी एक मजलिस का भी अहतमाम हुआ पाकिस्तान भर से वो आवाज़ें जो कहीं और कुछ नहीं बोल सकती थी लेकिन उनको ये पता था कि आसमान जहांगीर साहिबा की बरसी का मौका है तो खुल के जो कुछ उनके दिल में था लोगों ने बयान भी किया तो आपको लगता है कि एक फ़र्द एक नती खातून भी अगर चाहें तो वो किसी भी समाजी तनाजुर के धारे को मोड़ने का उसको नया रुख देने के लिए महमेज़ फराम कर सकती इसमें क्या शक है आप देखिए दुनिया की तारीख बाज़ों का तनह आवाज़ों ने बदल दी है मैं तो हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि बंदूकें उठाने वाले और तलवारें लहराने वाले वो तो दुनिया में सिर्फ़ फसाद पैदा करते हैं किसी अच्छे नज़रिए के लिए भी उठाते हैं तो फसाद और तकरीब के सिवा दुनिया को कुछ नहीं मिलता लेकिन वो लोग के जो इस तरह से मजलूमाना जद्दोजहद करते हैं और नहाते बगैर किसी हथियार के हमेशा इसतदलाल के साथ अपनी ज़ुबान से एक फ़िक्र पेश करने की सही करते हैं वही बतदरीज मौसर होते हैं ये उस मरहले में नज़र नहीं आता क्योंकि इंसान जल्दबाज है तो इसलिए अंदाज़ा नहीं होता कि असरात कैसे नीचे तक पहुँचते हैं लोगों को क्या कुत अता करते हैं उनके शोर में क्या तब्दीलियाँ पैदा करते हैं उनके सोचने के अंदाज़ को किस तरह मुतासर करते हैं ये तदरीजी अमल होता है इसके लिए मेरे नज़दीक मगरब में जो तब्दीली आई है आखिर यहाँ एक तब्ली आई ना बादशाहत भी थी कलीसा का नहाब भी था आप होली रोमन अम्पायर के ज़माने से तारीख पढ़ना शुरू करें तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल थी इस सब कुछ के बावजूद ये मुफ्किरन हैं बड़े फलसफे हैं हम हैं इसी तरह के कुछ कलंदराना मिजाज रखने वाले लोग हैं कि जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दीली पैदा कर दी कि जिसके बाद जिस तरह मैंने इन चारों चीज़ों का ज़िक्र किया ये आलमी सियासी अकदार बन गई यानी आज कौमों के मामले में यही अकदार मीर का काम देती है आप कहते हैं कि फ़लां जगह पर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है आप ये कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है बल्कि जिसका जो जी चाहता है जिस तरह चाहता है जिसको चाहता है उठा लेता है तो ये मीरा हैं जिन पर अब देखा जाता है देखने वाले खुद कितनी पाबंदी करते हैं वह एक अलग चीज़ है लेकिन फिक्री लिहाज से ये मीरा बन गए हैं और इनकी बुनियाद पर कौमें बनती हैं दसातीर बनते हैं गुफ्तुएँ होती हैं और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस्ताद फिर बिल्कुल बराना होकर नाचना शुरू कर दें हमारे मुल्क में ये आप जानते हैं कि कश्मकश पहले दिन से है और वो ये कि हमारी इस्टबलिशमेंट वहाँ पर कोई जमहूरी हुकूमत कायम नहीं होने देना चाहती ताहम उसको भी आके जाना पड़ता है और होते हुए भी कुछ पर्दे और कुछ नकाब हैं जो ओढ़ने पड़ते हैं क्यों होता है हम दूसरे मुल्कों से इस मामले में कुछ आगे जा चुके हैं आपने फरमाया बड़ी घुटन है बड़ी घुटन के बावजूद भी बहुत आज़ादी है और अब बाकी मुल्कों के मुकाबले में देखें आप सोच ही नहीं सकते मैं मुसलमान मुल्कों की बात कर रहा हूँ आप अरब ममालिक में जा देखें खलीज के मुल्कों में जा कुछ वक्त गुजारें इसी तरीके से मैंने खुद मलेशिया में दस साल गुजारे हैं हमारे मुल्क में आज़ादी आज़ादी राय हरीत फ़िक्र के मौक़े इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं ये किन लोगों ने पैदा किए हैं ये असल में इन्हीं लोगों ने पैदा किए हैं किसी ने दानश के मैदान में किसी ने मजहब के मैदान में इसी तरह से किसी ने सियासत के मैदान में तो ये लोग हैं कि जिनकी वजह से आप ये देखते हैं कि आ, उन लोगों को जिनके पास बंदूक की ताकत है हज़ार पर्दों के अंदर से बैठ कर हकूमत करना पड़ती है और यही वो वोत है ये फिक्री क़वत जो मुझे उम्मीद है कि एक दिन इस सूरत हाल को तब्दील करेगी और हम एक आज़ाद जमहूरी हुकूमत अपने मुल्क में देखेंगे गुज्तर हफ्ते हमने आपसे मोहतरमा आसमत जहांगीर साहब की रहलत की याद में जो दिन मनाया जाता है उस हवाले से कुछ आपके तासरत जानने की कोशिश की थी आपकी वो गुफ्तु नशर हुई और उस गुफ्तु पर गैरमतवे और बहुत ज़्यादा रद्दमल आया और दिलचस्प बात यह थी कि बिलुमूम जो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ एक ख़ास किस्म का मजहबी जहन है जिनको ललम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी जानब से होता है लेकिन ख़ुद आपके चाहने वालों की बड़ी तादाद ने आपकी उस पूरी गुफ्तु और इस मौजू पर बात करने को एतराज़ का बायस समझा उनका इस्तलाल ये था कि एक ऐसी ख़ातून जो दीन दीन इस्लाम उसके शायर उनको ना उन्होंने कोई ज़िंदगी का नसपुलैन बनाया न उसकी बुनियाद पर दावत और तबलीग का कोई काम किया ना उलमा और मजहबी शख्सियात से मोहब्बत और ताल्लुक के जज्बे को उजागर करने के लिए उम्मत में कोई काम किया एक आज़ाद ख्याल सी खातून थी लिबरल वैल्यूज़ की मालिक थी मजहब दीन से कोई उनका ताल्लुक नहीं था तो ऐसे जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में उनको हम क्यों जेर बहस ला रहे हैं उनकी खिदमत को रोल मॉडल बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं इससे तो जो हमारी नई नसल है उसमें इस तरह के लोगों की कदर व मंजरत दिलों में बैठेगी और वो जो मजहब की एक हमियत है एक मजहब के बारे में हसासीत है वो कमज़ोर होगी तो आपने मेरे उस सवाल का जवाब देना क्यों मुनासिब समझा और आसमा जहांगीर साहिबा की खिदमत पे तो बात की लेकिन उनकी मजहब बेजारी को जर बहस नहीं लाया ये रद्दअमल उस हस्ती की तालीमत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है जिसको हम अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हैं ये आपके इलम में है कि रसोल्ला सल्म की बेसत से पहले अरब में एक माहदा हुआ था उसमें बहुत से लोग शामिल हुए थे और ख़ुद रसोल्ला भी उसका हिस्सा थे अभी आप नबूत के मनसब पर फायज नहीं हुए थे वो माहदा ये था कि जो बाहर से लोग आते हैं तो बाज़ात हज के दिनों में उम्र के दिनों में उनके साथ कोई ज़्यादती हो जाती है वो अपना माल लेके आते हैं उसमें कोई शख्स उनके साथ ज़्यादती करता है बाज़ात सौदा चुकाने में चीज़ देने दिलाने में इख्तलाफात होते हैं तो वो बाहर से आए होते हैं यहाँ के मुकामी लोग अपनी धोस से उनसे कोई बात मनवा लेते हैं इसी तरह वो हज और उमरे की जिम्मेदारियाँ अंजाम देते हैं तो उसमें भी उनको मुश्किल पेश आती हैं तो ये फैसला किया गया कि जो मक्के के शराफा हैं वो अपना एक नज्म बनाएँगे और उसका नाम हिलफुल फजूल रखा गया कि ये एक माहा है जिसके तहत हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों की मदद करें ठीक उनके साथ हों उनके साथ कोई ज़्यादी हुई है तो उसका इजाला करवाएँ रसूलुल्लाह उसका हिस्सा थे आपने नबूवत के बाद एक मौके पर फरमाया कि मुझे ये माहा इतना पसंद है और इतना पसंद था और ये ऐसा नेकी और ख़ैर का काम था कि अगर अब भी मुझे इसके लिए दावत दी जाए तो मैं उसमें शामिल होना चाहूँगा अच्छा नबूत के बाद भी आपने फरमाया यानी अब भी अगर कुरैश मक्का अब भी अगर मुश्किन अब भी अगर दीन को ना मानने वाले लोग मुझे इसकी दावत देंगे तो मैं इस दावत पर लब्बैक कहूँगा इस तरह गोया मोहम्मद रसूल वसम ने हमको सबक दिया कि इस दुनिया के मामलत को हम लाज़मन इन तीन हिस्सों में तकसीम करके रखेंगे तो एक चीज़ हमारा दीन है हम कहते हैं कि वही दीन अल्लाह का दीन है ये जानते हैं आप कि मेरी जो किताब है मीज़ान जो पूरे दीन को बयान करती है उसका पहला जुमला देवाचे में क्या है अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है तो मैं इसी जज्बे से इसी एहसास से इसी इस्तलाल के साथ इसको पेश करता हूँ मैं करूँगा मुसलमानों के सामने भी करूँगा गैर मुसलमों के सामने भी करूँगा मेरी पूरी ज़िंदगी इसी को बयान करते हुए गुजरी है और दीन से मतलब जो चीज़ें भी मौजूद हैं उनमें जहाँ कहीं मुझे कोई इख्तलाफ हुआ है मैंने तहकीक करके अपना नुक़ नज़र वाज़ी किया है और ये जानते हैं कि उसमें बहुत मुखालफतें बर्दाश्त की हैं लेकिन कभी इसमें कोई मुदाणनत नहीं बरती जो कुछ मेरे नज़दीक सही है जिसको मैं सही समझता हूँ उसको मैं इस्तलाल के साथ बयान करता हूँ ठीक ये दावत का मौजू है इसमें कोई चीज़ किसी पर ठूंसी नहीं जाती लोगों के कुफर ईमान के फ़ैसले नहीं किए जाते मैं आजकल एतराज़ा की सीरीज़ में इसी मौजू पर गुफ्तगु कर रहा हूँ कि इसमें मुझे मेरे दीन ने क्या हदूद सिखाए हैं ना मैं किसी को दीन से बाहर निकालने के लिए खड़ा हूँ ना लोगों की जन्नत और जहन्नम के फैसले करने का मुझे इख्तियार दिया गया है मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो दावत की ज़िम्मेदारी है और उसका लाल ये बताया गया है कि उदू अलाज से बील रब का बिल हकमा बलोजतह हसना व जादिलहुम है असन यानी हमत के साथ इस्तलाल के साथ शायस्तगी के साथ दीन की दावत लो अपने परवर के रास्ते की तरफ बुलाओ और नसीहत का मौका आ जाए तो अच्छे उसलूब में नसीहत करो कोई बहस भी पैदा हो जाए तो शाइतगी और तहजीब को मलूज़ रख कर ऐसे उमदा तरीके से बहस करो कि किसी पर वो गिरा ना गुजरे ये मुझे तालीम दी गई है इसी तरह से सोसाइटी में अगर कोई मरूफात है तो उनकी तरफ़ लोगों को तवज्जो दिलाना अगर कोई चीज़ मुनकर है तो उसके बारे में मतवज्जे करना ये मेरी दीनी जिम्मेदारी है ये हर उस शख़्स की जिम्मेदारी है जो दीन का शौर रखता है मेरे और मेरे मुसलमान भाइयों के माबे मेरे और दुनिया के दूसरे मजाहिब के मानने वालों के माबे जो दीन के हवाले से ताल्लुक़ है वो दावत का ताल्लुक है गोया दाई और मधु का ताल्लुक है और दावत के लिए या दाई और मधु के तल्ल के लिए जो कायदे जो जाबते अल्लाह के दिन में बयान हुए हैं वो मैंने ख़ुद अपनी किताब मीज़ान में कानून दावत के जेर अलमान वाजे कर दिए हैं मैंने हमेशा उनकी पाबंदी की है और पाबंदी करता रहूँगा मेरे नज़दीक लोगों को धकेल कर दीन से निकालने की कोशिश करना अगर कोई रिश्ता बंधा हुआ है तो उसको भी तोड़ने की सही करना लोगों से उनके कुफर का इकरार करवाने की सही करना ये दीन की दावत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है मेरे पैगंबर की तारीम तो ये है कि लोग भागेंगे इस दिन से वो जहन्नम की तरफ जाना चाहेंगे और हमारा काम ये है कि उनका दामन पकड़ कर उनको खींचते रहें तो दावत का ताल्लुक ये सबसे होगा यकसा होगा है इसमें मैंने कभी कोई तफरीक नहीं एक बात दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ यह है कि इस दुनिया में हम इंसान की हैसियत से बचते हैं इसमें तकलीफ़ें हैं दुख हैं बीमारियाँ हैं गुरबत है इनको अगर कोई शख़्स अदब बना के जद्दोजहद करता है ये आप जानते हैं कि दुनिया के बेशतर मुल्क हैं बड़े मुल्क हैं उनके मजाहब क्या हैं उनका नुक़ः नज़र क्या है उससे क़त नज़र जलजिला आता है तो वो आते हैं तूफ़ान आता है तो वो आते हैं मुल्क उनसे मदद लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान में एक हकूमत कायम करके आप उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि वो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ें तो जो लोग इस मदद के लिए आगे बढ़ें वो कोई लोगों की गुरबत को दूर करने के लिए जद्द जोद करें वो इलाज मालज़े के लिए कोई कायम करें या उनकी ज़रूरतें पूरी करें जिसको आप खदमत खलक़ के काम कहते हैं इसमें जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि खुद रसोल्ला ने फरमाया कि अगर इसके लिए मुझे दावत दी जाएगी तो मैं इसमें अपना हिस्सा डालना पसंद करूँगा इसमें जो लोग काम कर रहे होंगे उनकी इज़्ज़त करेंगे उनके इस काम की तहसीन करेंगे हमारे मुल्क में इस सिलसिले का एक बड़ा नाम अब्दुलस्तार यदी थी पूरे मुल्क को उनकी खदमात पर फ़ख्र था और हम अल्लाह का शिक्र करते थे कि हमारे यहाँ भी इस तरह का एक आदमी मौजूद है उनके भी कुछ नज़रियात थे उनके भी कुछ अफकार थे मजहबी मामलों में भी बाजार थी उनसे हम इलाफ़ भी करते थे और वो अपनी बात कहते थे तो अगर उस पर तबसरे या तनकीद की ज़रूरत होती थी तो वो भी कर देते थे तो ये दूसरा एक पहलू है इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि, कि किसी का मज़हब क्या था और किसी के मजहबी नज़रियात क्या थे इसमें ये देखा जाएगा कि वो इंसानियत की खिदमत कर रहा है ये खदमत कितने मिशनरीज़ हैं जो करते हैं खुद हमारे मुल्क में मसीहियों के कितने इदारे हैं जो करते हैं रेड क्रॉस का इदारा क्या खिदमत अंजाम देता है तो यहाँ इदारे भी होते हैं और बाज़त उसमें शख्सियात भी नुमाया हो जाती हैं तो उन सब की खदमात की कदर करना ये मेरे दीन का तकाजा है और जिस हस्ती से मैंने दीन सीखा है ये उसी ने मुझे सिखाया है तीसरी चीज़ ये है कि इस दुनिया में जो इस वक्त सियासी नजम कायम है और जाहिर है कि वो हमारी शब रोज़ की ज़रूरत है यानी सियासी नजम हमारे पूरे वजूद पर असरअंदाज होता है उससे हकूमतें बनती हैं उससे रियासतें वजूद में आती हैं उससे खल्फशार या इख्तलाल भी पैदा होता है उससे लोगों के लिए अमन का अहतमाम भी होता है उस मामले में मेरे नज़दीक चार चीज़ों को सियासी अख्तार की हैसियत हासिल है मैं उसको ये कहता हूँ कि जिस तरह मज़ब के अरकान होते हैं उस तरह हमारे सियासी अकीदे के अरकान उन चार चीज़ों को होना चाहिए एक जमहूरीत और मैं ये समझता हूँ कि जमहूरीत इंसान के लिए बहुत बड़ी नमत है उसके लिए जो निज़ाम बनाया गया है उसने हमारे लिए ये मौका पैदा किया है कि हम पर अमन इंतकाल की राहें निकालें और परमन इंतकाली असल में ज़मानत बन जाता है लोगों के लिए आज़ादी और हरियत की जैसे कि जमहरी माशरों में आप देखते हैं इस वक्त भी देख लें कि जिन इलाकों में या जिन मुल्कों में जमहूरीत नहीं है तो वहाँ आप सांस भी पूछे बगैर नहीं ले सकते हुक्मरानों से तो इस वजह से मेरे नज़दीक चारों चीज़ें जो हैं पहली जमहूत दूसरे कानून की हुक्मरानी तीसरे इंसान के बुनियादी हकूक़ और चौथे कौमों का हक खुदी तो जो लोग भी वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, वो मुसलमानों के अंदर के कोई जमात हो जो लोग भी इसमें कोई खिदमत अंजाम देंगे मैं उनकी तहसीन करूँगा इसमें मुझे किसी से कोई माजरत नहीं करनी और ये तहसीन पूरे दिल से करूँगा उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम किसी गरीब की मदद के लिए कोई काम करें किसी के इलाज मुआवालजे के लिए काम करें वहाँ तो मज़हब नहीं देखा जाएगा बिल्कुल इसी तरह इन सियासी अकदार को भी खुद पैदा करने का बायस गैर मुस्लिम बने हैं उन्होंने एक नजम में इनको बदला है तो यहाँ मज़हब की बहस लेके बैठेंगे तो फिर सबसे पहले अपने ही मुल्क में जमहूरियत की बिसात भी लपेट दीजिए ये कह के कि ये तो कहीं और का निज़ाम जो आया है कानून की हुक्मरानी ये मुकन्ना अदलिया इंतज़ामिया की जो तकसीम है इसको भी उठा के फेंकी है तो मेरे नज़दीक ये सारी चीज़ें सियासी अकदार की हैसियत रखते हैं और आसमा जहांगीर इन सियासी अकदार की अलंबरदार थी उनकी इसमें बड़ी खदमात हैं और उन खदम के असरात हैं हमारी सोसाइटी पर इसलिए मैं इसमें उनकी तहसीन करूँगा जिन मामला में मुझे उनसे इख्ताफ है अपना इख्लाफ़ ज़ाहिर कर लूँगा ठीक अच्छा, 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 अच्छा सभी जो आपने फरमाया कि ये चार बुनियादी चीज़ें हैं और इससे बुनियादी तौर पर रियासत का जो नज़म है ढांचा है उसमें लोगों का फ़ायदा है जमूरियत हो वक् खुदरादी हो बुनियादी इंसानी हकूक हो कानून की हुक्मरानी हो लेकिन इस पर यह भी तो कहा जाता है कि ये चारों चीज़ों की अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है और उसकी नीयत और उसका मोहर ये है कि असल में जमहूत ला के तो जी अपने राइट्स दिलवाने हैं और जो दुनिया के अंदर खिलाफ इस्लाम कौन हैं उनको भी हम इसम्बली से जमूरत के नाम पर पास करवा लेंगे कानून की हुक्मरानी होगी तो हम उसकी बुनियाद पर कहेंगे जी कि आप जो चीज़ भी किसी शख्स कोई मसा दीन के ख़िलाफ़ भी काम कर रहा है तो आप कहेंगे जी नहीं हम कानून इसके ऊपर असरानंदाज़ नहीं हो सकता हक़ के इरादी होगा तो लोग अपनी अपनी आज़ाद रियातें बनाएंगे और इसी तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक़ के नाम पर औरतों को जो कुछ सिखाया जाता है जो कुछ बताया जाता है मग़रबी तहजीब माशरत वो हम पैनिट्रेट करना चाह रहे हैं तो ये चारों चीज़ें अगर तो मुस्बत नीयत के साथ हो तो, तो बहुत अच्छी हैं लेकिन हमारे यहाँ मुल्क के अंदर ये जो एन जी ओज़ और ये तनजीमें हैं ये तो इन चारों चीज़ों को भी अपने मकासद की तकमील के राहों के तौर पर इस्तेमाल करती मैं इससे खुदा की पना मांगता हूँ कि मैं लोगों की नीयत तो उनके महरक के बारे में गफ्तु करूँ कभी आपने नहीं देखा कि मैंने इस तरह की चीज़ों को मौजू बनाया हो अपने बदतरीन मुखालिफों की भी कभी नीयत या उनके महरिका तय करने की कोशिश की हो मेरे नज़दीक किसी आदमी का कॉल और फ़ेल जो मेरे सामने आएगा वही मौजू बनेगा तो जो बातें आपने कही हैं अगर वो किसी मौके पर किसी की ज़ुबान पर आएंगी तो ज़ुबान मेरे पास भी है मैं उसकी तरदीद करूँगा जो नतज आप बयान कर रहे हैं अगर वो किसी के फेल की सूरत अख्तियार करेंगी तो मैं उस पर तनकीद करूँगा लेकिन जब तक वो कौल और फ़ेल में नहीं तब्दील होती उस वक्त तक मुझे क्या हक़ है कि मैं लोगों के महरिका तय करूँ ठीक अच्छा अम एक बार मुसबत पहलू से मैं बात करना चाहता हूँ आपसे बयान फरमाइएगा ये जिस तरह के लोग हैं चले इनकी कुछ नेकी खैर हमें समझ में आती है और बााहिर उनका लग रहा होता है ओवरऑल जो प, उनकी है वो शायद उस दर्जे के मज़हबी नहीं है लेकिन कम से कम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए ना कि अपने आप को वो चले अगर इस्लाम पर अमल नहीं भी कर रहे मुसलमान कह रहे हैं तो लिए तो दावत का रास्ता है हम कम से कम उनको अपने हल्के में शुमार करें हमारे साथ उठेंगे बैठेंगे तो उससे उनके अंदर बेहतरी आ जाएगी तो ये चीज़ क्यों नहीं हमें नज़र आती कि भाई वो जैसे भी हैं चलें नमाज़ का एहतमाम नहीं करते बाहर लग रहे होते हैं कि दीनी उनमें अहमियत नहीं है शायर का एहतराम भी नहीं है लेकिन कम से कम एक आइडेंटिटी तो मुसलमानों की हम कहते हैं कि चलो उससे भी निकालो उनको पूरे काफ़िर कर दो मैंने पहली बात यही अर्ज़ की थी आपके सवाल के जवाब में और अब फिर मजीद ये कहता हूँ कि हम एक लंबी मुद्दत से खुदा के दिन के दाई नहीं रहे हम या मुफ्ती हैं या काजी हैं हमारा काम ये बन गया है कि हम मुसलमानों को किस तरीके से कम से कम कर सकते हैं यानी कहने को हम बहुत फ़खर के साथ कहेंगे कि इस वक्त दुनिया में डेढ़ अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं लेकिन अगर कभी किसी आलिम से किसी मौलवी साहिब से किसी मजहबी रहनुमा से आप पूछें कि फिलवाई मुसलमान कौन है तो आप देखेंगे कि उसके अपने नुक़ नज़र के लोगों के सिवा और कोई इस मीर पर पूरा नहीं उतरेगा और इसमें भी हमारे अंदर दावत की स्पिरिट नहीं होती हमें अल्लाह के दीन ने जिस जगह खड़ा किया था वो ये नहीं था कि हम रिश्तों को तोड़ें यानी हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि तुमने अपने फ़िक्र में अपने ख्याल में अपने अकीदे में ये बात की है हम तुम्हें बाहर निकाल के आएंगे खुदा के पैगंबरों ने जो हमें हमत सिखाई थी वो ये थी कि अगर ज़रा सा भी किसी का ताल्लुक जुड़ा हुआ है तो उसको मज़ीद करीब लाने की सही करो उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ उसके साथ इज़्ज़त और अहतराम से पेश आओ और वो ताल्लुक़ जो है वो बड़ी नेमत है यानी कोई ताल्लुक़ तोड़ के खड़ा हो जाएगा तो उसको वहाँ से वापस लाना कोई आसान काम है अगर कोई धागा कहीं पे लगा हुआ है तो उसको टूटने मत दो यानी एक आदमी कहता है चलिए ज़ुबान से कहता है मैं मुसलमान हूँ बहुत बड़ी बात है यानी मैं उसके इस्लाम को कबूल करके उसको करीब लाऊँगा उससे बात करूँगा उस तक अपना दीन पहुँचाऊँगा मेरी खैरखाई का तकाजा यही है तो मैंने आपको बताया कि मेरे पैगम्बर की तालीम तो ये है कि वह कहते हैं कि लोग मुझसे अपना दामन छुड़ा के आग में कूद पड़ने के लिए तैयार है और मैं उनको पीछे से पकड़ कर खींच रहा हूँ मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसमें ना जाओ मैं तुम्हें इससे निकालना चाहता हूँ तो ये जज्बा होना चाहिए ये दाइया होना चाहिए यही वजह है कि हमारे यहाँ दीन की दावत देने वाले दीन की खिदमत करने वाले शब रोज़ दीन के लिए मेहनत करने वाले लोगों से जब हमें इख्तलाफ हो जाता है तो हम बिल्कुल इसका लिहाज नहीं करते बल्कि हम चाहते हैं कि कोई उनकी बात ढूंढे, कोई उनका लफ्ज़ ढूंढे, और किसी ना किसी तरीके से कोई फतवा साजिर करके उनको दीन के दायरे से बाहर निकालें तो दीन की हिदायत जो मैं समझाऊँ अपने ज़िंदगी भर के मताले से वो ये है ही नहीं उसमें कभी पैगम्बरों को इससे दिलचस्पी नहीं हुई वो तो सीने से लगाते हैं लोगों को मोहब्बत की आवाज़ उनकी और मोहब्बत फ़ात आलम है तो इसलिए मेरे नज़दीक तो ये तरीका पैगंबर की तलीमत के बिल्कुल खिलाफ है ये रवैये उसके बिल्कुल खिलाफ है और इस तरीके से मुख्तफ कम्पार्टमेंट में इसी उम्मत के लोगों को डालकर उनके बारे में फतवे लगाने वाले खुदा की अदालत में अपने इस तर्ज अमल का कोई जवाब नहीं दे सके ठीक है हम सब खात्मा करते हैं इस मौजू का आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ आपका एक जिंदगी भर का पब्लिक इंट्रेक्शन है तजुर्बा भी रहा ये जो आमतौर पे एक तासर होता है फिर अर्ज़ करूँगा एक हमारा ख़ास मजहबी ज़ाविया होता है हम जाहिर को देखकर एक शख्स के बारे में एक राय कायम करते हैं बज़ाहिर उसकी कुछ आमजी जो है वो नहीं लग रहा होता कि कोई बहुत ही ज़्यादा महतशम है या इस्लामी असूलों के मुताबिक है आज़ाद ख्याल सी गुफतु कर रही होती हैं ख़वान आती भी हैं आपका बहुत इंट्रैक्शन रहा आपको इस तरह की खातान सुनती भी बहुत हैं आपको ये अंदाज़ा हुआ कि जब ये बैठती हैं बात करती हैं तो इनके अंदर अल्लाह का वो खौफ वो लिल्हीत वो खुशबू वो तजल्ल जो आम तौर पर हम जिसकी तो कर रहे होते हैं अंदर बाहर के वो मौजूद होता है बहुत से लोग बहुत सी खवातन जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते जब ज़रा करीब होकर उनके मामलों सामने आए तो पता चला कि वो अल्लाह के साथ कैसी मोहब्बत रखती हैं या रखते हैं अल्लाह ताल के दीन को समझने का कैसा दाइया उनके अंदर मौजूद है नमाज़ में बल्कि तहजद तक में कैसा इश्तगाल है बहुत से लोगों के बारे में ये मालूम होती रहती हैं जाहिर है कि इस तरह की किसी चीज़ के बारे में कोई बात पब्लिक में कहना मौजू नहीं लेकिन ऐसे दसियों लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ तो ये हमारी बदकस्मती है कि हम किसी के जाहिर को देख कर बाजा अवकात बड़े बड़े हुक्म लगाना शुरू कर देते हैं और बहुत सी बातें उसके स्याक सबाक से हटा कर यहाँ से एक जुमला लिया वहाँ से एक जुमला लिया इख्लाफ किसी मौलवी साहब से है उसको इस्लाम का इख्तलाफ बना दिया आपकी किसी तदबीर से अख्तलाफ है जो आपने मज़ब के लिए की है तो आपने उसे दीन का इख्तलाफ बना दिया तो ये जो रवैया हमारा है इस रवैये से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए किसी की नीयत किसी के महरकत ये हमारा मौजू ही नहीं ये क़्यामत में हमारा परवरदगा फैसला करेगा और नहीं मालूम कि वहाँ कौन कौन ब्रहना खड़े होंगे हमारा काम यह है कि किसी के कौल को देखें फेल को देखें और इसमें भी ये कोई तरीका नहीं है कि मुझे किसी से मजहबी इख्तलाफ है तो मैं उसकी खिदमत खल की खिदमत का इनकार कर दूँ और मुझे कोई मज़हबी इख्तलाफ है किसी के साथ तो मैं सियासत में मीषत में माशरत में उसके कंट्रीब्यूशन से इनकार कर दूँ आइनस्टाइन और न्यूटन की खिदमत साइंस में है और उस दायरे में उनकी अज़मत का एतराफ़ किया जाएगा इंसानियत को जो कुछ उन्होंने दिया है आज हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं अपने दीन के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं ये साइंसदान है कि जिन्होंने मौजूदा दुनिया बनाई है आपके गिरदोपेश में उनके लिए भी इसी तरह शुक्रगुजारी के जज्बात होने चाहिए दीन की दावत हम ज़रूर देंगे अपना पैगाम पहुँचाएँगे वही हमारी जिम्मेदारी है लोगों पर फतवे लगाना हुक्म लगाना उनकी जन्नत जहनम जन्न के फ़ैसले करना ये इख्तियार मेरे परवरदिगार ने हमको दिया नहीं